नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज। में आपको बता दूँ दोस्तों, जो कमेटी बनाई गई थी 4 कुलपतियों की और जिनमें 2 दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे, कुल मिलाकर के 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जिस प्रकार की दोस्तों इसमें 2 प्रकार की जानकारी मिल रही है। पहली जानकारी दोस्तों मैं यदि आपको बताऊं तो कल जो जी राजस्थान और फर्स्ट इंडिया न्यूज दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा रेप्यूटेड न्यूज चैनल्स हैं, उनके द्वारा ट्वीट किए गए थे कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं ली जाएगी, बाकी जितने भी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। दूसरी न्यूज दोस्तों जो आ रही है वो दैनिक भास्कर के हवाले से आ रही है और अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी दोस्तों एक ट्वीट किया, उसमें यह कहा गया है कि फाइनल ईयर के साथ साथ में है वो सेकंड ईयर की परीक्षाएं भी है वो करवाई जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको दोनों न्यूज़ें हैं जैसे ही मेरे पास आती है आप तक अपडेट पहुंचा रहा हूं, चाहे किसी भी प्रकार की न्यूज हो। दोस्तों मेरा कर्तव्य है कि आप तक वह न्यूज सबसे पहले सही व सटीक रूप से व प्रूफ के साथ पहुंचाने की, और वो मैं कार्य दोस्तों निरंतर रूप से वो कर रहा हूं। हालांकि ऑफिशियल जो अपडेट है दोस्तों वो पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक है वो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उच्च शिक्षा मंत्री जी के साथ मिलकर तय करेंगे, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के साथ समय तय होगा और उनके साथ जो बैठक होगी उसी में है वो अंतिम डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो अंतिम डिसीजन है वो इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत होकर गुजरेगा। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं। सबसे पहले दिखा देता हूं मैं आपको न्यूज के साथ दोस्तों दोनों ही अपडेट दिखाने वाला हूं। 10 जून 2021 आज का न्यूज पेपर आपके सामने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित है दोस्तों। ये जो न्यूज है, ब्रिज विश्वविद्यालय सरकार की कमेटी आज देगी रिपोर्ट, अब फाइनल के साथ सेकेंड ईयर की परीक्षाएं भी संभव। यह आप साफ साफ देख सकते हैं, कोरोना को लेकर के असमंजस की वजह से अफरा तफरी कर रहे स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इस साल फाइनल ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होना भी संभावित है। पिछले दिनों प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी ने ब्रज यूनिवर्सिटी समेत सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से राय ली थी। इसमें अधिकांश ने परीक्षा कराने पर जोर दिया। उनका कहना था कि बिना अंक तालिका के कोई भी प्रमाण पत्र देना बच्चों के लिए भविष्य में नुकसानदायक होगा, इसलिए कम से कम इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की है वो परीक्षाएँ कराई जानी चाहिए। तो इस माध्यम से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 2 बातें तो लगभग आप मानकर चलिए कंफर्म है, जो कमेटी की अभी तक की रिकमेंडेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग, बाकी फाइनल तो दोस्तों जो उच्च शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग होगी उसी में होगा। पहली बात की लगभग दोस्तों जो कमेटी के सभी सदस्य है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए राजी है, और दूसरी अपडेट दोस्तों की लगभग कमेटी के जितने भी सदस्य है वो इस बात पर एकमत है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हैं वो अवश्य होनी चाहिए। जो पे चढ़ रहा है दोस्तों वो अड़ रहा है यूजी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर, कमेटी के ज्यादातर सदस्यों का यही मानना है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की भी परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार यदि 2 वर्षों तक विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है तो केवल उनकी जो यूजी की डिग्री है वो 1 वर्ष के मार्क्स के आधार पर बनेगी, और नियमों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उनके 3 में से कम 2 वर्षों की परीक्षाएं होना है अनिवार्य है। इस कारण से दोस्तों मैं आपको बात कह रहा हूं। आगे आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर की परीक्षा पर जोर इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के कारण प्रथम वर्ष के स्टूडेंट प्रमोट कर दिए गए थे। इधर अनलॉक के बाद यूनिवर्सिटी अब खुल गई है, परीक्षा फार्म भरवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी गुरुवार यानी कि आज अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, इसके बाद सरकार ये फैसला लेने वाली है कि कॉलेजों को परीक्षाएं करानी है या बिना परीक्षा के है वो प्रमोट करना है। आप साफ साफ देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे ब्रिज विश्वविद्यालय हो, चाहे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हो, राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय हो, लगभग राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। यानी जो बात की जा रही है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए की जा रही है कि लगातार दोनों साल है वो उनको प्रमोट करना उनके भविष्य के साथ में है वो सही नहीं होगा। हायर एजुकेशन की जो ग्रेडिंग है वो भी इससे है दोस्तों गिर जाएगी। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान का भी ट्वीट दिखा देता हूं दोस्तों, जो कि आज सुबह फर्स्ट इंडिया के द्वारा न्यूज़ के द्वारा किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाओं का मामला कमेटी के रिपोर्ट पर होगी उच्च शिक्षा विभाग की चर्चा, आज कमेटी और विभाग के अधिकारी और मंत्री करेंगे चर्चा। परीक्षाओं के मामले में कमेटी ने दिए अपने सुझाव, प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएँ कराने को लेकर के दोस्तों ये आप देख सकते हैं।
ये प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएं कराने को लेकर दी गई रिकमेंडेशन। हर एक कक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा जरूरी। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की परीक्षाएं टाली जा सकती है, सेकंड ईयर का भी असेसमेंट होगा, हाल में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी। कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार को लेना है अभी अंतिम फैसला। यानी साफ साफ दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएँ टाली जा सकती है और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों दो तीन तरह के प्रस्ताव बन रहे हैं। एक प्रस्ताव तो ये बन रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर है वो उनके एग्जाम करवाए जा सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो है कि असेसमेंट देकर के उनके है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के हैं वो एग्जाम लिए जा सकते हैं। और जो तीसरा माध्यम दोस्तों जो हमेशा होता ही है प्राचीन रूप से कि आप पेन पेपर मोड पर ही स्टूडेंट्स की है वो परीक्षाएं ले, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दोस्तों ये बात कही ही गई है कि उनकी परीक्षाएं तो अवश्य होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों बात ऑफलाइन परीक्षाओं की हो रही है लेकिन हमारी मांग ये है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य व सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हुए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम है वो उनके लिए कंडक्ट करवाई जाए ताकि विद्यार्थी हितों में हो, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। फिर भी दोस्तों हमारी मांग यह है कि सरकार यदि ओपन बुक एग्जाम नहीं करवाती है तो परीक्षाओं का आयोजन तभी किया जाए जब फाइनल ईयर के हर एक विद्यार्थी को जो शिक्षक वहां पर ड्यूटी देने वाले हैं, जो कर्मचारी वहां पर काम करने वाले हैं, उन सभी को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ में है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। और भी दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षाओं से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से, चाहे परीक्षाओं से संबंधित हो चाहे प्रमोशन से संबंधित हो, हर प्रकार की जानकारी दोस्तों आपको दी जाएगी क्योंकि हमारा कर्तव्य यही है कि आप तक हम न्यूज़ पहुंचा दें और जो स्टूडेंट्स की आवाज़ है उनको सरकार तक पहुंचाएं। बाकी दोस्तों प्रमोशन होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, परीक्षाएं किस किस की होगी नहीं होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा केवल कर्तव्य यह है कि हम स्टूडेंट्स तक है वो न्यूज़ पहुँचा दें और स्टूडेंट्स की जो भावना है और स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है, स्टूडेंट्स की जो उम्मीद है, स्टूडेंट जो चाहते हैं वो बात हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।